मुझे भी जाना है बाहर, लेकिन 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 एक और जरूरी चीज है जो कि हम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो है सनग्लासेस का पहनना अगर आप बाहर जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। जी हाँ, दिल का रिश्ता जो बनता है आपके और हमारे बीच में इन वीडियोस के थ्रू। हम यहाँ बात करते हैं फैशन की, मेकअप की, स्किन रूटीन की, स्किन केयर ब्लॉग हो जाते हैं, कुकिंग की भी कभी कभी नेक्स्ट आ सकती है। देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन का बटन जो है उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आए आप वो देख सके। तो आज इस वीडियो में क्या लेकर आई हूँ मैं, थंबनेल आपने देखा, उससे अंदाजा हुआ नहीं हुआ। तो आज का वीडियो क्या है, तो आज का वीडियो है कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ये जरूरी बातें हमें पता है, लेकिन हमें भूलनी जरूर है। मैं लेकर आई हूँ वो सारी बातें, फिर से आपको याद आ जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं जब आप बाहर जाएंगे। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मई का महीना शुरू हो गया है, गर्मी बढ़ती जा रही है, और अगर हम ये बातें भूल गए हैं तो एक बार याद कर लेते हैं जाने से पहले बाहर। तो सबसे बड़ी बात क्या है भाई, सन रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि हमें कर देती है सन टैन। तो हमें टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और टैनिंग से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो तो आपको पता ही है कि हम आधे जो है थोड़े डार्क कलर में हो जाते हैं, हमारा रंग जो है वो सांवला पड़ जाता है जिसे बोलते हैं। वैसे सांवला रंग बहुत खूबसूरत होता है, ब्राउन मुंडे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन 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 अगर आपको सन टैन हो जाता है तो वो प्रॉब्लम का कारण कुछ और तरीकों से भी हो जाता है। अब फॉरेन में जो है, यानी कि अब्रॉड में सन, अपने आप को टैनिंग दी जाती है, अपने आप को ब्राउन किया जाता है, विटामिन डी जो है उसे लिया जाता है, क्योंकि विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है बॉडी के लिए। लेकिन इट डजंट मीन कि आप जो है सन टैन अपने आप को कर ले। टैनिंग सभी को पसंद नहीं है, तो जिनको पसंद नहीं है उनके लिए स्पेशली जो है वो सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि टैनिंग जो है वो अपने आप को टैन करना वो अलग बात हो जाती है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो बहुत ही खतरनाक रेज होती हैं। तो उनसे जो है बचने के लिए पहली चीज बाहर जाते हुए वो है सनस्क्रीन लोशन का लगाना। जी हाँ बिल्कुल, सनस्क्रीन लोशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लोशन का अपनी स्किन पे लगाना। वो जो है एक ब्लॉकेज पैदा कर देती है अल्ट्रा वायलेट रेज और आपकी स्किन के बीच में, क्योंकि स्किन में अगर अल्ट्रा वायलेट रेज कॉन्टैक्ट में आते तो आपको रिंकल प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइन लाइन्स आ जाएंगी, डॉट्स यानी कि स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, एजिंग इफेक्ट भी बहुत जल्दी जो है, एज साइंस आना शुरू हो जाते हैं अगर आप जो है अल्ट्रा वायलेट रेज के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो सबसे पहली बड़ी बात जो है वो है आपका सनस्क्रीन लोशन का घर से लगाकर निकलना और बैग में कैरी करना, क्योंकि आफ्टर 2-4 आवर के बाद जो है आपको उसको दोबारा लगा लेना चाहिए बॉडी पे, क्योंकि उसका असर जो है थोड़ा कम हो जाता है अगर आप बाहर जो है ज़्यादा रहते हैं। ठीक है जी, तो पहला जो है आपका प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन लोशन, यानी कि जरूरी चीज जो है आपको बाहर जाने से पहले याद रखनी चाहिए वो है सनस्क्रीन लोशन या सनस्क्रीन क्रीम का लगाना। अब बारी आ जाती है सेकेंड जो जरूरी चीज है, अगर मैं इस जरूरी चीज यानी कि इस प्रोडक्ट को कह लें या इस चीज को कह लें मैं फर्स्ट नंबर पे भी रखती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये है वाटर बॉटल का होना आपके साथ। पानी का होना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मियों का मौसम है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं और हमें स्वेटिंग होती है तो पानी का लेवल जो है बॉडी से कम हो जाता है, पीएच बैलेंस जो है वो कम हो जाता है, जो कि हमें पानी बार बार पीने से वो कवर होता है, हम उसे कवर करते हैं। तो वाटर बॉटल का आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाहर जाने से पहले। अगर आप घर से भूल गए हैं तो उसको फिर आप बाय कर ले, खरीद ले, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है, आपने बहुत दूर तक जाना है या फिर बाहर ही रहना है, तो वाटर बॉटल कैरी करना ज़रूरी है। ये हो गया आपका दूसरा। अब बारी आ जाती है आपकी तीसरी, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है बाहर जाते वक्त, वो है आपका फेस को कवर करने के लिए स्कार्फ का होना। स्कार्फ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा रहती है। आप दिल्ली जैसे शहर में तो भाई डस्ट बहुत ज्यादा होती है, अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो भी ठीक, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते, आप पैदल चलते हैं यानी कि
आपको दूर तक जाना है और पैदल चल के जाना है तो आप स्कार्फ भी कैरी कर सकते हैं, उससे अपने फेस को कवर कर सकते हैं। आप टी शर्ट जो है अगर आपने पहनी है तो उसके ऊपर शर्ट भी पहन सकते हैं फुल स्लीव्स वाली, ताकि वो जो है आपको कवर कर सके सन रेज से, डस्ट से। बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा वो स्कार्फ और एक्स्ट्रा वो शर्ट ली हुई आपको बचा सकती है, क्योंकि कई कई बार जो होता है बाहर जाते वक्त हो जाता है वैसे ऐसा कि शर्ट गलती से भी खराब हो गई हो और आपके पास एक्स्ट्रा शर्ट है, तो भाई वो तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि आपने शर्ट पहना हुआ है वो खराब हो गया, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और स्कार्फ जो है अगर आपकी शर्ट या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो आप स्कार्फ से उसे ढक भी सकते हैं। ये मतलब ऑप्शनल चीजें कह दी है मैंने कि ऐसा हो सकता है, वैसे जरूरी नहीं ऐसा हो जाए, लेकिन अगर हो तो ये आपके लिए सेफ साइड अच्छा रहता है कि आपने अपने साथ एक एक्स्ट्रा शर्ट कैरी की हुई है या फिर स्कार्फ जो है आपने डस्ट के लिए आप अपने साथ रखा जाती है। अपने फोर्थ प्रोडक्ट की, भाई बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करना। भाई बहुत ज़्यादा धूप है, अम्ब्रेला अगर आपके पास है तो आप अपनी छाया जो है वो खुद कर सकते हैं अपने ऊपर ही, तो अम्ब्रेला का कैरी करना बहुत ज़रूरी है, आपके साथ उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा धूप लगती है, प्रॉब्लम भी होती है, और अगर आप सनस्क्रीन लोशन भूल भी गए हैं तो आपने अम्ब्रेला अपने साथ रखा हुआ है तो भाई वो कर देगा काम आपका, सनस्क्रीन लोशन की जैसा ही वो आपको बचा सकता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, सन रेज प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उसके लिए जो है आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, धूप से बारिश से जो है आपको प्रॉब्लम से बचा सकता है अगर आपके पास अम्ब्रेला है। ठीक है जी, अब ये बात आपको मतलब याद होती है लेकिन आप फिर भी भूल जाते हैं, आपको मालूम है सनस्क्रीन लोशन लगा के जाना लेकिन आपने नहीं लगा के जाना, आप भूल जाएंगे उसे कैरी भी नहीं करेंगे, तो भाई ये तो गलती हुई ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे याद दिलाने आ गई हूँ। अब पांचवी चीज क्या है जो, यानी कि फिफ्थ ऐसी कौन सी चीज है, तो आपकी फिफ्थ ऐसी कौन सी चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, भाई अपने साथ कैरी करें एक एप्पल, ऑरेंज, कोई भी फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट्स जरूर कैरी करें बाहर जाने से पहले। अगर ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप एक चपाती जो है अपने साथ कैरी जरूर करें जब भी बाहर जाना हो, क्योंकि अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है, आपने फ्रूट कैरी नहीं किया है, मतलब आप नहीं कैरी कर सकते, तो आप कम से कम एक चपाती तो कैरी कर सकते हैं, उस पर आप कोई भी सब्जी लगाएं और अपने साथ फॉयल में कैरी करें, क्योंकि खाने के लिए समर सीजन में भी आपके पास बहुत जरूरी होता है कि एक चपाती हो, क्योंकि भूख लग सकती है और आप वो खा सकते हैं बाहर जाने से पहले, चाहे वो विंटर सीजन भी क्यों ना हो तब भी आपको जरूरी है। लेकिन गर्मियों में जो है आपकी बॉडी से ग्लूकोज जो है वो जल्दी खत्म होता है, तो आपको पानी और खाने का कुछ भी ड्राई फ्रूट या फिर एक चपाती जरूर कैरी करनी चाहिए, ताकि वो आपकी बॉडी से एनर्जी को खत्म ना करे। ठीक है जी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी होती है जब बाहर जाना हो तो आपके साथ कैरी करना, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हो जाता है रुमाल का कैरी करना बहुत जरूरी है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं आप कैरी जरूर करें। टिश्यू का कैरी करना बहुत जरूरी हो जाता है, पर्स भाई भारी जरूर हो जाता है। लड़के कहते हैं कि गर्ल्स की मतलब बैग में बहुत सारी चीजें होती है, भाई बैग में जरूरी चीजें होती है, लिपस्टिक होती है, उसके साथ साथ ऐसी कई चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती है, जैसे कि टिश्यू हो गया वो जरूर कैरी करें। और अगर आप हैं फीमेल तो ये स्पेशली फीमेल्स के लिए इसलिए है क्योंकि चाहे आपके पीरियड्स आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके जो है बैग में एक सैनिटरी पैड जो है वो जरूर होना चाहिए। कई बार जो है वो किसी को जरूरत पड़ जाती है तब भी आप उसको जो है वो दे सकते हैं। मैं ऑफिस जाती थी, कई बार ऐसा हो जाता था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में कई जो है फ्रेंड्स को जरूरत पड़ जाती थी, जो है पीरियड इशू हो जाता है, और मैंने उनको अपना सैनिटरी पैड जो है वो दे दिया था, क्योंकि सबको पता था कि मैं जो है अपने साथ ये जरूरी चीजें जो है बिल्कुल रखती हूँ। तो आप बिल्कुल मत भूलिए अपने साथ ये सारी चीजें कैरी करना जब भी आप बाहर जाएं, चाहे है विंटर सीजन चाहे है समर सीजन, लेकिन समर सीजन में सनस्क्रीन लोशन, वाटर बॉटल, खाने के लिए चपाती फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट जरूर जरूर रखें, और अम्ब्रेला भी जरूर रखें। और नेक्स्ट क्या चीज है जो कि बहुत जरूरी हो जाती है आपके बैग में होना, चाहे वो विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, तो वो है आपका मेडिसिन, यानी कि माइल्ड मेडिसिन, हेडेक की मेडिसिन, फीवर की मेडिसिन और कोल्ड की मेडिसिन जो है, माइल्ड माइल्ड सी मेडिसिन जो है आप अपने डॉक्टर से, अपने
डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है आप ले सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हेडेक प्रॉब्लम मोस्टली जो है वो गर्मियों में हो जाती है सन रेस की वजह से, सन की वजह से, धूप में ज्यादा बाहर रहने की वजह से आपको हो जाती है हेडेक की प्रॉब्लम। तो आपको जो है मेडिसिन कैरी कर लेनी चाहिए, बहुत माइल्ड माइल्ड सी। मैं यहाँ पे बताने नहीं वाली हूँ कौन कौन सी मेडिसिन मैं जरूर लेती हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ डॉक्टर, और वो जो है आपको प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही लेनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर जो है आपको सजेस्ट करे वो ही लेनी चाहिए। अब कोविड जो है वो चल रहा है तो मास्क का होना भी बहुत जरूरी है, तो मास्क भी कैरी कीजिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बटन जो है आप क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। किया आपने सब्सक्राइब? नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए और मेरी वीडियोस को दीजिए लाइक और कीजिए शेयर, ताकि मैं लेकर आऊं कुछ ऐसी वीडियोस आपके लिए, जी हाँ, हर रोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल, बाय। कॉल आ रहा है, हेलो, ओ हाँ, आज का अपॉइंटमेंट फिक्स है, ठीक है मैं आ रही हूँ, चलिए जी, ओके। और जरूरी चीज है जो कि हम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो है सनग्लासेस का पहनना। अगर आप बाहर जाते हैं इससे आपकी आईज भी रहेंगी बिल्कुल सेफ सनरेज से। तो ठीक है जी, आप बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, बाहर जाना है, बाय।